नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 अगस्त दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चंद्रयान 3 ने की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग। बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से। बिगोस को 12 साल बाद मिली अपनी वेबसाइट। बिहार सरकार की योजनाओं पर ऐसे दे अपना सुझाव। परिवारवाद को लेकर प्रशांत किशोर का हमला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर भर्ती 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एसएससी जेएसटी के कुल 307 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए एसएससी रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाना होगा। इस वैकेंसी के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं। एसएससी की ओर से जारी इस वैकेंसी में आवेदन प्रक्रिया 22 अगस्त 2023 से शुरू हो गई है। इसमें आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स को 12 सितंबर 2023 तक का समय दिया जाएगा। वहीं एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए 13 सितंबर से 14 सितंबर तक का वक्त मिलेगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद पर आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से हिंदी या इंग्लिश में मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही 2 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इसके अलावा सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए डिग्री के साथ साथ 3 साल का अनुभव मांगा गया है। चंद्रयान 3 ने की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग। बीते दिन भारत ने इतिहास रच दिया। दरअसल चंद्रयान 3 ने सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग करने में सफलता हासिल कर ली। अब लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर मौजूद खनिजों की पहचान करेंगे और फिर रोवर अगले 14 दिनों तक चांद की सतह का अध्ययन करेगा। बता दें कि बीते दिन इस सफलता को हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो चंद्रयान की लैंडिंग से पहले वीडियो लिंक के जरिए इसरो के वैज्ञानिकों से जुड़े हुए थे, उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। भारत अब चंद्रमा पर है। यह ऐतिहासिक क्षण है और विकसित भारत का बिगुल बज चुका है। उन्होंने देश को बधाई दी और कहा कि यह क्षण चंद्र पथ पर चलने का है। इस ऐतिहासिक घटना को देश कभी नहीं भूल पाएगा। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ट्वीट कर कहा गया कि चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग कराकर देश ने अंतरिक्ष में एक नया इतिहास रच दिया है, जिस पर हर देशवासी गौरवान्वित है। यह इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, इसलिए इसरो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा कहा गया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड कर लिया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में भारत को ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाई। 1962 से देश हित में अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए समर्पित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा पर इतिहास रचा है। 140 करोड़ भारतीयों को अपने वैज्ञानिक पर गर्व है। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे कैमूर हिल्स के बारे में। कैमूर हिल्स लगभग 483 किलोमीटर लंबी विंध्य पहाड़ियों का पूर्वी भाग है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में कटंगी से बिहार के सासाराम जिले के आसपास तक फैला हुआ है। विंध्य पहाड़ियों ने सबसे प्राचीन काल से मानव गतिविधियों को आश्रय दिया है। यह पहाड़ियां जो भारतीय उपमहाद्वीप में अरावली के साथ सबसे पुरानी चट्टान संरचनाओं में से एक है, मुख्य रूप से पुरानी आग्नेय चट्टानों से मिलकर बनती है, जो यहाँ उनके शानदार रूपों और सुंदर आकारों में देखी जाती है। यहाँ पर बहने वाली नदियाँ दुर्गम और ऊंची घाटियों से होकर गुजरती हुई कई अनोखे जलप्रपात का निर्माण करती है। मौसम के समय जलप्रपातों की अलौकिक खूबसूरती और दुर्गम घाटियों के विहंगम दृश्य यहाँ के वातावरण को सुकून और रोमांच से भर देते हैं। इन पहाड़ियों पर पाए जाने वाले पौराणिक अवशेष संरक्षित किले हिंदू देवी देवताओं के पौराणिक और रहस्यमय मंदिर इस घाटी की लोकप्रियता को और भी खूबसूरत बनाते हैं। कैमूर घाटी की जैव विविधता, तरह तरह के पंछी, अनेकों जंगली जानवर, मूल्यवान आयुर्वेदिक औषधियां, रहस्यमय मंदिर, दुर्गम किले, प्राकृतिक जलप्रपात पर्यटकों के सफर को उत्साहित, अनूठा और रोमांचित बनाता है। यह स्थान पर्यटकों को उन्हें प्रकृति के करीब होने का एहसास कराता है। सरकारी स्कूल के छात्र अब टेलीकॉम व आईटी की करेंगे पढ़ाई। अब सरकारी स्कूल के 9वीं और 10वीं के छात्र और छात्राएं भी टेलीकॉम, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर और ब्यूटी एंड वेलनेस जैसे ट्रेड की पढ़ाई भी कर पाएंगे। इसके लिए राज्य स्तर पर कुल 43 स्कूल का चयन किया गया है, जहां इन विषयों की पढ़ाई कराई जाएंगी। मालूम हो कि इसकी शुरुआत वर्ष 2021 से ही होने वाली थी, लेकिन तैयारी नहीं होने के कारण इसकी शुरुआत नहीं की जा सकी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब इसकी शुरुआत की जा सके इसके लिए सभी स्कूलों को व्यवसायिक प्रयोगशाला तैयार करने का अगस्त अंतिम सप्ताह तक का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि व्यवसायिक प्रयोगशाला तैयार करने के लिए स्कूलों को 5 लाख रुपए की राशि दी गई है। प्रयोगशाला के तैयार हो जाने के बाद सितंबर में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। इनकी परीक्षा बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के ही साथ होगी।
बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से, आज यानी कि 24 अगस्त से बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की शुरुआत हो रही है, जो कि 26 अगस्त तक चलेगी। बता दें, इस परीक्षा के माध्यम से कुल 1,70,461 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। मालूम हो कि 3 दिन तक चलने वाली यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें से पहली पाली की परीक्षा के लिए सुबह 7:30 बजे और दूसरी पाली की परीक्षा के लिए दोपहर 1 बजे से प्रवेश दिया जाएगा। वहीं पहली पाली की परीक्षा की शुरुआत सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, तो दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगी। बता दें कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं उम्मीदवारों को दोनों ही पालियों में अपने एडमिट कार्ड की एक्स्ट्रा कॉपी साथ ले जानी होगी। उम्मीदवार अपने साथ एक वैकल्पिक फोटो आईडी प्रूफ अवश्य ले ले, मार्कर, व्हाइट फील्ड, ब्लेड, इरेजर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेड, स्मार्ट वॉच आदि ले जाना वर्जित है। अगर कोई अभ्यर्थी कदाचार में स्थिति में पाया जाता है तो इस परीक्षा के साथ साथ अगले 5 वर्षों के लिए एवं परीक्षा से संबंधित भ्रामक, सनसनीखेज, अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। परीक्षा में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी। आयोग की ओर से कहा गया है कि अभ्यर्थी ओएमआर के नियम स्थान पर ही अपना नाम और बाकी जानकारी भरेंगे, साथ ही गोला भी सही तरीके से भरेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर ओएमआर सीट रद्द कर दिया जाएगा। बिहार को इस दिन तक मिलेंगे 4 नए नेशनल हाईवे। बिहार वासियों को बहुत जल्दी 4 नए नेशनल हाईवे की सौगात मिलने वाली है। दरअसल बिहार में 4 नेशनल हाईवे का काम बड़ी ही तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यह काम वर्ष 2024 के मार्च महीने तक पूरा हो जाएगा। बता दें कि जिस 4 नेशनल हाईवे का निर्माण बिहार में किया जा रहा है, उनमें नरेनपुर, पूर्णिया, अररिया, गलगलिया, पिपरा, कोठी, मोतिहारी, रक्सौल और पटना गया डोगी सड़क के नाम शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर इन नेशनल हाईवे का निर्माण हो जाता है तो इससे 1 दर्जन जिलों के लोगों को आवागमन आसान हो जाएगा और खासतौर पर पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल से बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी। बिग बॉस को 12 साल बाद मिली अपनी वेबसाइट। पिछले 7 महीनों की मेहनत के बाद बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड यानी कि बिग बॉस को उसका अपना वेबसाइट बीते दिन मिल गया है, जो कि 12 साल बाद हुआ है। दरअसल बीते दिन NIC के द्वारा तैयार की गई बिग बॉस की वेबसाइट को लॉन्च कर दिया गया और अब बिग बॉस की आधिकारिक वेबसाइट www.bboseonline.bih.nic.in है, जिस पर अब बिग बॉस से जुड़ी सारी जानकारी छात्रों को ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी जाएगी। वहीं इस वेबसाइट पर प्रत्येक छात्र के आधार नंबर के साथ पूरी जानकारी भी उपलब्ध होगी। वेबसाइट को और उसमें मौजूद सभी जानकारी को सुरक्षित रखा जा सके, इसके लिए सभी डेटा को स्टेट डेटा सेंटर से जोड़ दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेबसाइट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी ओम प्रकाश यादव के द्वारा लॉन्च की गई है। केम्प्टी फॉल की तरह विकसित हो रहा है ककोलत जलप्रपात। बिहार सरकार के द्वारा नवादा में स्थित ककोलत जलप्रपात को मसूरी हिल स्टेशन के केम्प्टी फॉल की तरह विकसित करने के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही अब यहां आसपास इलाके में टूरिस्टों के लिए और भी नई सुविधा विकसित की जाएंगी, जिसके तहत पर्यटकों को कैफेटेरिया, एक्सेलरेटर जैसे सर्विस शामिल होंगे। इसके लिए परफेक्ट मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसको लेकर सरकार की ओर से कुल 23 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है, जिसमें ये सभी सुविधाएं शामिल है। मालूम हो कि पर्यटकों को अगली गर्मी की सीजन से ये सभी सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा झरने तक पहुंचने वाले रोड को भी चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। वहीं पहले जहां लोगों को एक झरना से पानी गिरता नजर आता था, अब उन्हें 3 झरना से पानी गिरता नजर आने वाला है, जिसमें बुजुर्गों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और साथ ही महिलाओं के लिए अलग शौचालय और चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। बिहार सरकार की योजनाओं पर ऐसे दे अपना सुझाव। अगर आप भी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं पर अपना सुझाव देना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक पोस्ट शेयर कर योजना वेबसाइट सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं को प्रभावी ढंग से वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के लिए आम लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, ताकि उनके अनुसार हमारे बहुमूल्य सुझाव उन्हें मदद करे और वे योजनाओं की सटीक और स्पष्ट जानकारियां वेबसाइट के माध्यम से जनता को उपलब्ध करा सके। ऐसा करने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे लिंक पर जाना होगा और अपना सुझाव एक गूगल फॉर्म भरकर देना होगा। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विंध्यवासिनी देवी के बारे में। विंध्यवासिनी देवी बिहार राज्य की एक भारतीय लोक संगीतकार और गायिका थी। यह भारतीय संगीतकार और विंध्य कला मंदिर की संस्थापक हैं। भारत सरकार ने उन्हें 1974 में चौथे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार पद्मश्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी ने अपने वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित किया था। 2006 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप भी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें 1998 में अहिल्या बाई पुरस्कार से नवाजा।
उन्हें मैथिली, भोजपुरी और मगही संगीत में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने अनेक लोकप्रिय गीत भी गाए हैं, जिसमें छोटा दुल्हा के विवाह गीत प्रसिद्ध है। उनके कई गीत का सीडी प्रारूप भी जारी किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पटना में लोक संगीत के निर्माता के रूप में भी काम किया है। उन्होंने कई फिल्मों के लिए भी गाना गाया है। विंध्यवासिनी देवी जी की मृत्यु 86 वर्ष की उम्र में 18 अप्रैल 2006 को हो गई थी। सीएम नीतीश ने बिहार के सबसे बड़े परीक्षा परिसर का किया उद्घाटन। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार में निर्माण किए गए बिहार के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन किया गया। बता दें, इस बापू परीक्षा परिसर में एक साथ 16,000 से अधिक परीक्षार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। मालूम हो कि यह परीक्षा परिसर 5 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 2 ब्लॉक बनाए गए हैं। यहाँ सेंसर लाइट भी लगाई गई है। वहीं इसके अलावा यहाँ कर्मचारियों के लिए 12 फ्लैट भी बनाए गए हैं। बता दें कि बीते दिन सीएम नीतीश के द्वारा बापू परीक्षा परिसर के अलावा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वितीय चरण के सुधारों की कार्य योजना का शुभारंभ तथा बिहार बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग एवं मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क अनुशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग का सख्त निर्देश। इन दिनों बिहार सरकार के कृषि विभाग को खाद की कालाबाजारी और ज्यादा दामों में बेचने की शिकायत सुनने को मिल रही है। इसको लेकर विभाग की ओर से सख्ती बरतते हुए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत अब खाद की भंडारण की रोज जांच की जाएगी। बता दें, इस दौरान सबसे ज्यादा नजर उन जिलों पर रखा जाएगा जो सीमावर्ती जिले होते हैं। बता दें, इसको लेकर अधिकारियों की टीम भी गठित की गई है। इस संबंध में कृषि निदेशक आलोक रंजन घोष के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि अब सभी जिलों में सुबह 9 से 10 बजे के बीच क्षेत्रीय अधिकारी दुकानों पर जाकर भंडारण की जांच करेंगे और यह देखेंगे कि कहीं उर्वरक रहते हुए भी दुकानदार किसानों को लौटा तो नहीं रहे। ऐसे में कालाबाजारी करने वालों दुकानदारों पर भी पकड़ बनाए सकेंगे, जिसके बाद उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और उन पर FIR दर्ज की जाएगी। बता दें, विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर 0612-22-33555 भी जारी किया गया है, जिस पर सुबह 10 से शाम 6 बजे तक संपर्क कर उर्वरक की किल्लत या कालाबाजारी की जानकारी दी जा सकती है। वीवी में गड़बड़ी करने वाले अफसरों की बढ़ने वाली है परेशानी। बीते कुछ दिनों से शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई फरमान जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब विभाग की ओर से उन अफसरों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है, जो राज्य के विश्वविद्यालयों में ऑडिट के जरिए वित्तीय गड़बड़ी करते हैं। दरअसल प्रतिष्ठित पोर्टल जागरण में छपी खबर के अनुसार इन सभी अफसरों के ऊपर विभाग की ओर से FIR दर्ज करने की तैयारी की जा रही है। बता दें, इसको लेकर विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुछ न कुछ वित्तीय अनियमितता ऑडिट के दौरान मिलनी तय है, जिसे अब तक विश्वविद्यालयों के द्वारा उजागर नहीं किया गया है। मालूम हो कि ऑडिट की शुरुआत वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से विभाग की टीम के द्वारा कर दी गई है। पटना का ये युवा आज बॉलीवुड हस्तियों के साथ कर रहा काम। बिहार के युवा हर क्षेत्र में अपने बेहतर कार्य से सभी को अपना मुरीद बना रहे हैं। ठीक ऐसा ही एक युवक बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला जयमुद्दीन है, जो आज बॉलीवुड की फिल्मों की एडिटिंग करने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ एक तक पहुँचने में उन्हें काफी संघर्ष का सामना करना पड़ा। बता दें कि अपने इस संघर्ष को लेकर दैनिक भास्कर से हुई साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि उन्हें ग्रेजुएशन के दौरान ही थिएटर से लगा हुआ। उन्होंने दूरदर्शन में एडिटिंग के बारे में जानकारी ली और फिर FTII की परीक्षा क्लियर किया। इसके बाद उन्हें घर वालों का सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना फॉर्म भी अपने भाइयों और बहनों से कर्ज लेकर भरा और जब वे FTII की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो पिता कहते थे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ऑल इंडिया में केवल 10 सीटें ही होती हैं। लेकिन सफलता मिलने के बाद सभी तारीफ करने लगे। बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार। बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश में बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 26 अगस्त तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 24 अगस्त को लेकर जारी अपडेट में यह बताया गया है कि प्रदेश के अधिकांश जिलों के एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघगर्जन होने की संभावना है। गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, बांका, किशनगंज और अररिया जिलों के एक या दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, पूर्णिया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर जिलों के एक या दो स्थानों में अति भारी बारिश की संभावना है। इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेलवे किराए में मिल रही 100% तक की छूट, ऐसे उठाए लाभ। अगर आप भी रेल किराए में मिल रही छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। बता दें कि भारतीय रेलवे के द्वारा छात्रों, किसानों, गरीबों, मरीजों, डॉक्टरों, खिलाड़ियों, पत्रकारों, बेरोजगारों, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों, दिव्यांगों, बुजुर्गों समेत अन्य को 25% से लेकर 75% तक किराए में छूट दी जा रही है।
इसके अलावा मरीजों और दिव्यांगों के साथ यात्रा करने वाले को भी किराए में यह छूट मिलती है। मालूम हो कि यह छूट जनरल टिकट से लेकर स्लीपर एसी फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार और एसी सेकंड क्लास तक के टिकट में मिलती है। अगर आप इस छूट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए एक फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आपको किराए में छूट मिल जाएगी। हालांकि सभी को दिए जाने वाले छूट अलग अलग होते हैं। अगर कोई मरीज किराए में छूट चाहता है तो उसको डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। वहीं अगर आप नौकरी के लिए साक्षात्कार में जा रहे हैं तो आपको 50% की छूट दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस करेगी ऑटो चालकों को सम्मानित। अक्सर ट्रैफिक पुलिस और ऑटो ड्राइवरों के बीच अनबन की खबर सुनने को मिलती रहती है, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के उन ऑटो ड्राइवरों को सम्मानित किया जाएगा जो ट्रैफिक के सभी नियमों का पालन करते हैं। इन्हें मोस्ट डिसिप्लिन ऑटो ड्राइवर ऑफ द मंथ के खिताब से सम्मानित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत 6 अलग अलग शर्त शामिल है। इसको पूरा करने वाले ऑटो ड्राइवर को ही सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि जो 6 शर्त निर्धारित किए गए हैं उनमें पहला शर्त यह है कि ऑटो ड्राइवर को यातायात नियमों का पालन करना होगा। दूसरा शर्त कि निर्धारित परमिट के अनुरूप ऑटो पर सवारी को बैठाना होगा। तीसरा शर्त ऑटो पर पहले से कोई चालान निर्गत ना हो। चौथा शर्त ऑटो पर अपना नाम व पता, मोबाइल नंबर एवं DL अंकित करना होगा। ऑटो पर संबंधित स्थानीय थाना का नाम अंकित करना होगा और ऑटो चलाए जाने की सूचना स्थानीय थाना में देनी होगी। स्कूलों में बनेंगे स्टील फ्रेम वाले कमरे। राज्य के स्कूलों में कमरों के अभाव के कारण बच्चों को बैठने में दिक्कत ना हो, इसको लेकर बहुत जल्द ही तत्कालीन व्यवस्था के तहत स्टील फ्रेम वाले कमरे का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान भवन के ऊपर ही यथासंभव इस तरह के कमरे बनाए जाएंगे। मालूम हो कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दे दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि नियमित निरीक्षण से 92% स्कूलों में 50% से अधिक बच्चे आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों को कई स्कूल में बैठने में दिक्कत आ रही है। प्रीफैब स्ट्रक्चर वाले कमरे 2-3 दिनों में तैयार हो जाते हैं। ये हल्के और टिकाऊ भी होते हैं। वहीं ईंट बालू से कमरों के निर्माण में 1-1.5 साल का समय लग जाता है। जेडीयू आरजेडी को लेकर विजय सिन्हा ने किया ये दावा। जेडीयू आरजेडी को लेकर भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा के द्वारा दावा करते हुए कहा गया है कि जेडीयू के नेताओं के द्वारा लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। बीजेपी शुरू से ही जाति जनगणना का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि जेडीयू और आरजेडी के बीच बेहतर संबंध नहीं है, वे एक दूसरे को धोखा देने का काम कर रहे हैं। राज्य में अराजकता व्याप्त है, जेडीयू को जवाब देना चाहिए कि बिहार की जनता के साथ उन्होंने विश्वासघात क्यों किया। महागठबंधन सरकार में शराब, बालू और जमीन माफियाओं को संरक्षण मिल रहा है, अपराधियों का बोर्ड बाला है। उन्होंने कहा कि देश जानता है कि बीजेपी ने संघर्ष करके जंगल राज वालों को गद्दी से उतारा था और सुशासन के लिए नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाया था, लेकिन जेडीयू ने फिर से राजद के साथ गठजोड़ कर लिया। परिवारवाद को लेकर प्रशांत किशोर का हमला। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि परिवारवाद देश और बिहार में कोर के तौर पर लोकतंत्र को खोखला कर रहा है। आज से कोई पार्टी अछूती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आरजेडी में हो रहा या कांग्रेस में हो रहा है। आप भाजपा को देख लीजिए। भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, इनके पिताजी कांग्रेस में विधायक मंत्री थे। उसके बाद लालू जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री बने। नीतीश कुमार का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री बने। मांझी जी का दौर आया तो उसमें विधायक मंत्री बने। आज भाजपा को अपना नेतृत्व बनाना है तो उसी परिवार के कड़ी से बैठा कर किसी को उन्होंने बनाया है। बिहार में पिछले 30 साल में जितने लोग यहाँ MP MLA बने हैं, चाहे वह जिस दल से बने हो, सबकी सूची अगर आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 1250 परिवार के लोग ही MP MLA बने हैं। परिवारवाद का ये असर है कि आप पार्टियों से इसे मत देखिए। जो जिस पार्टी का दौर होता है उसी परिवार के लोग उसमें घुस जाते हैं। भारत इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज हेक्टर 1600 में सूरत के तट पर पहुंचा। विवेकी 1969 में भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में भारत के पांचवें राष्ट्रपति बने। संयुक्त राज्य अमेरिका के उप विदेश मंत्री रिचर्ड आर्मिटेज ने 2002 में भारत पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने का अनुरोध किया। गुजराती भाषा के युग प्रवर्तक माने जाने वाले रचनाकार निर्मल का जन्म 1833 को हुआ था। दक्षिण हिंदू संप्रदाय राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब का जन्म 1818 को हुआ था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के सहयोगी पत्रकार और मराठी साहित्यकार नरसिंह चिंतामन केलकर का जन्म 1872 को हुआ था। भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता बाल गंगाधर खेर का जन्म 1888 को हुआ था। केरल के प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता स्वतंत्र सेनानी और समाज सुधारक केलप्पन का जन्म 1889 को हुआ था। स्वतंत्र सेनानी राजगुरु का जन्म 1908 को हुआ था। भारत की महिला क्रांतिकारियों में से एक बीना दास का जन्म 1911 को हुआ था। आधुनिक राजस्थान के सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी कवि चंद्र सिंह बिरकाली का जन्म 1912 को हुआ था। भारत की महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का जन्म 1997 को हुआ था।
भारतीय अभिनेत्री एवं फिल्म निर्माता अंजलि देवी का जन्म 1927 को हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार कल्याणजी का निधन 2000 को हुआ था। प्रमुख समाज सुधारक रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का निधन 1925 को हुआ था। आधुनिक भारतीय संस्कृति और समाज शास्त्र के विख्यात विद्वान राधा कमल मुखर्जी का 1968 को निधन हुआ था। बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी आज हम बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जागरण न्यूज द्वारा दावा किया गया है कि भारत ने पाकिस्तान पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा गलत है। 21 अगस्त को जनरल एरिया हमीरपुर में घुसपैठ की कोशिश को सेना द्वारा नाकाम किया गया था, जिसका विवरण @ProDefenseJammu ने मीडिया के साथ साझा किया था। व्हाट्सएप iOS पर वीडियो मैसेज सुविधा कर रहा शुरू। पॉपुलर मैसेंजर्स प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप iOS ऑपरेटिंग सिस्टम पर वीडियो मैसेज की सुविधा शुरू कर रहा है। कंपनी ने कहा है कि सुविधा के तहत अब यूजर्स इंस्टेंट चैट में वीडियो मैसेज फॉरवर्ड और भेज सकते हैं। INS की खबर के मुताबिक वीडियो पर स्विच करने के लिए चैट में माइक्रोफोन आइकन पर टैप करके सुविधा तक पहुंचा जा सकता है। मीटा के स्वामित्व वाला मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने हाल के दिनों में कई फीचर्स पेश किए हैं। आधिकारिक चेज लॉग में बताया कि प्लेटफॉर्म वीडियो कॉल व स्क्रीन शेयरिंग के लिए सपोर्ट भी जारी कर रहा है। वीडियो कॉल शुरू करने पर यूजर्स को एक नया स्क्रीन शेयर बटन दिखाई देगा। कंपनी ने कहा कि ये सुविधाएं आने वाले हफ्तों में शुरू हो जाएंगी। बता दें कि कंपनी ने बीते महीने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने iOS पर वीडियो कॉल और अननोन कॉलओवर्स ऑप्शन के लिए लैंडस्केप मोड सपोर्ट को व्यापक रूप से शुरू किया था। नई शिक्षा नीति के अनुरूप 11वीं और 12वीं के छात्रों को पढ़नी होंगी दो भाषाएं। बीते दिन नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत अब कक्षा 11 और 12 के छात्रों को दो भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम एक भाषा उसमें से भारतीय होनी अनिवार्य है। वहीं पाठ्यक्रम के इस नए ढांचे के तहत बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार होंगी और इन परीक्षाओं का मूल्यांकन छात्र छात्राओं की समझ और दक्षता के स्तर पर किया जाएगा। पाठ्यक्रम ढांचे के तहत कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को कवर करने की मौजूदा प्रथा से बचाया जाएगा और पाठ्य पुस्तकों की कीमतों में कमी लाई जाएगी। स्कूल बोर्ड उचित समय में मांग के अनुसार परीक्षा की पेशकश करने की क्षमता विकसित करेंगे। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को चिराग का नाम लेकर जान से मारने की मिली धमकी। बीते दिन करीब 12 बजे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को दिल्ली में उनके निजी फोन पर कॉल कर चिराग पासवान का नाम लेकर जान से मारने की धमकी दी गई है। उनसे फोन पर धमकी देते हुए कहा गया कि आप चिराग पासवान के खिलाफ बोलते हैं, आपको हाजीपुर घुसने नहीं देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, काले हो देंगे। हालांकि इस धमकी की सूचना पशुपति पारस के द्वारा पार्लियामेंट्री थाना को दे दी गई है और साथ ही इस मामले की पूरी जानकारी अमित शाह को भी एक चिट्ठी के माध्यम से दे दी गई है। इस बारे में पशुपति पारस के द्वारा कहा गया कि वह सब जानते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। उन्होंने कहा कि मेरे केंद्र में मंत्री बनने से पहले कई को जलन है। एक दूसरे जगह का सांसद मेरे हाजीपुर आता है और कहता है कि ये मेरी कर्मभूमि है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 9वीं महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्पेन। अगला सवाल, हाल ही में 46वें विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने जीते हैं? ऑप्शन ए 14 मेडल, ऑप्शन बी 15 मेडल, ऑप्शन सी 17 मेडल, ऑप्शन डी 18 मेडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 14 मेडल। अगला सवाल, हाल ही में कौन सा देश भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुसरण करना चाहता है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडोनेशिया। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा बिहार का जनजातीय विद्रोह है? ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह, ऑप्शन बी संथाली विद्रोह, ऑप्शन सी कोल विद्रोह, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगला सवाल, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सियाराम सिंह, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ऑप्शन डी नित्यानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सलीम अंसारी, एच के शर्मा, उमेश सिसदेव, ए एस गणेश, धनुप्रिया, रोशन कुमार, पंचम वर्मा, प्रयाग सिंह, मोहम्मद फहीम, मंटू कुमार, रागनी कुमारी, अनवर करीम खान, रनुगोलू कुमार, प्रहलाद कुमार, मोहम्मद वसीम आमिर, जगन्नाथ प्रसाद शाह, राजीव कुमार, हरीश्वर कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है चंद्रयान 3 की चांद पर हुई सफलता पूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।